ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सती ने अपने पिता के घर यज्ञ का हाल सुनकर चाहा कि मैं भी वहां जाऊं। वह सती इच्छा से अकेली सदा शिव के पास पहुंची। वहां पहुंचकर देखा कि सेवक गण शिव जी की सेवा में संलग्न हैं। वे दिगंबर केवल रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। उनके शरीर पर जटाएं लटक रही थीं, शरीर पर भस्म शोभित थी। शिव का ऐसा स्वरूप देख सती ने उन्हें प्रणाम किया। सती को वहां देखकर शिव जी ने बड़े प्रेम के साथ उन्हें बैठा लिया। यद्यपि शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने संसारी लीला के निमित्त वहां आने का कारण पूछा। तब सती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे प्रभु, क्या आपको यह अच्छा नहीं लगा कि दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया है? मित्रों तथा बांधवों की भेंट महाधर्म है। इसी से अच्छे लोग भले संबंधियों की संगति स्वीकार करते हैं तथा आनंद प्राप्त करते हैं। अस्तु, आपको यह उचित है कि वहां चलकर यज्ञ को पवित्र करें तथा मुझे भी अपने साथ ले जाकर मेरी इच्छा की पूर्ति करें। वहां पिता के यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता पहुंच गए हैं, परंतु आप वहां नहीं गए। शायद यह आपको अच्छा मालूम नहीं हुआ। आप वहां न जाने का कारण मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। मैं आपकी दासी हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने पिता के घर जाऊं, इसलिए आप मुझे अपने साथ वहां लेकर चलिए। शिवजी ने सती के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझको यज्ञ का निमंत्रण नहीं भेजा है तथा शत्रुता रखकर मेरा अनादर किया है। तुम ही सोचो, वहाँ केवल तुम्ही को ना बुलाकर अन्य सब लड़कियों को बुलाया है। इसका एकमात्र कारण केवल शत्रुता ही है। ऐसे स्थान पर बिना बुलाए जाना कहाँ तक उचित है? यद्यपि धर्मशास्त्र कहता है कि अपने पिता, मित्र, गुरु तथा स्वामी के घर बिना बुलाए भी जाना उचित है, परंतु उसके मन में शत्रुता भी नहीं होनी चाहिए। किसी के घर बिना बुलाए जाना मृत्यु से अधिक तथा अनादर एवं लोक निंदा का कारण होता है। सती यह सुनकर बोली, हे स्वामी, आप इस बैर का कारण तो बतावें। शिव जी ने पिछला सब वृतांत सुनाकर कहा, उचित है कि तुम दक्ष के यज्ञ में ना जाओ, नहीं तो तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। शिव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु सती को यह अच्छा न लगा। वह दक्ष पर अति अप्रसन्न एवं कुपित होकर कहने लगी, हे शिव जी, आप तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। सभी देवता आपका स्मरण करते हैं। आप यज्ञ कर्म तथा यज्ञ के फल हैं। आपकी दृष्टि मात्र से ही तीनों लोग तृप्त हो जाते हैं। आपसे यज्ञ पूर्ण तथा पवित्र होता है। मूर्ख दक्ष ने आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, सो मुझे चिंता है कि उसका यज्ञ किस प्रकार पूर्ण होगा। मेरा पिता इस प्रकार क्यों अज्ञानी हो गया, मुझे बड़ी चिंता है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जाकर उसके सील या दुशील अथवा उसके बैर भाव को देखूं। हे नारद, शिवजी को तो कुछ और ही लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने सती के आग्रह को न टालकर उन्हें नंदी पर सवार होकर यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। उन्होंने सती के साथ अपने 60,000 गण देकर उन्हें विदा किया। अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए, सती का स्वरूप भी अति उत्तम कर दिया। हे नारद, शिव ने ऐसी माया की कि सती बड़ी धूमधाम से चली। सती ने उस समय अपनी जैसी शोभा प्रकट की, वैसी किसी समय में भी प्रकट ना की थी। उनके चलने के समय बड़ा शब्द हुआ, कोई गण उछलता कूदता था, अन्य गण भी सबको प्रसन्न तथा आनंदित करते हुए चले। कोई सती का प्रताप वर्णन करता तो कोई शिव की महिमा का गान करता था। इस प्रकार सब अत्यंत प्रसन्न हो अनेक प्रकार की गति से चलते, सती की सेवा करते, दक्ष के घर पर जा पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उनसे बात तक ना पूछी, ना किसी ने यही जाना कि यह जगन माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशल तक ना पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने, जो वहां उपस्थित थीं, हंसकर सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहां शिव जी का स्थान ना देखा, तब भी मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देख शिव जी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब
तब मैंने उनसे कहा था कि जब मैं तुमसे कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी तो उसी समय अपना शरीर त्याग दूंगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। अस्तु सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो शिवजी बिना पुत्र के ही रहे और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल न मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न कर रखेगी? फिर शिव भी तो दूसरी स्त्री को अंगीकार ना करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं भी उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिव जी के साथ पुनः ब्याही जाऊंगी। उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती ने यह सब बातें सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा, हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोक पवित्र होते हैं, तुमने उन्हें नहीं बुलाया? बिना शिव जी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। तुमने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर भी सनकादिक ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली, तुम इस सभा में बिना शिव के क्यों आए? इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही तथा शिव जी का वर्णन कर एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा, क्या तुम शिव को नहीं जानते? जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखानते हैं, मैंने तुमको अनेक बार समझाया है परंतु फिर भी तुम धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हो। हे ब्रह्मन, तुम भी बुद्धिहीन हो गए। क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा की, इसलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रहे। हे विष्णु, क्या तुम शिव की महिमा भूल गई? जबकि उन्होंने संबर को जला दिया था, यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए हो? सती ने फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि को क्यों नष्ट कर दिया? मैं समझ गई, तुम सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुमको तो साफ देने की महान शक्ति है, क्यों तुम भी शिव जी की शक्ति को नहीं जानती? एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण कर द्रवण कुंड को गए थे और उन्होंने वहां पर भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं की, परंतु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को न जानकर शिव जी को साप दे डाला और उस साप का प्रभाव उन्हीं के लिए प्रतिकूल पड़ा। उस समय जबकि तीनों लोग जलने लगे, तब शिव जी ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था जिसके कारण वे पुनर्जीवित हो गए थे। इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, दक्ष ने जो कुछ किया है उसके मूल में तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिव जी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हो। अस्तु, तुमने जैसा कार्य किया उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आशय है कि जिन शिव जी द्वारा चारों वेद तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार कभी न होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी भी यह हिम्मत न होती कि वे शिव जी से विरुद्ध होकर कोई कार्य करते। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है। जो तुम्हें दधीची मुनि का सभा से उठ जाना भी अच्छा नहीं लगा। हे नारद, सती के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, अरे मतिमंद, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रहे, अन्यथा अपने घर चली जा। तेरा पति अत्यंत अशुभ है, उसके नाम में केवल 2 ही अक्षर हैं। वह भूत प्रेत एवं पिशाचों के साथ रहता है, चिता की भस्म को अपने शरीर में लगाता है और संसार में घूमा करता है। उसके माता पिता कुल जाति पाति आदि का भी कुछ पता नहीं है। उसका वर्णन वेद में भले हो परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देते, इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की जो औरों के कहने पर तुम जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंग धड़ंग ऑर्डर के साथ कर दिया। मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। अस्तु,
तू मेरी बातों पर विचार करके अपना क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातों को सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी हुई। वे बोली, शिव जी का अपमान कभी सुनना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिव जी की निंदा कर रहा हो तो सुनने वाले को उचित है कि वह या तो उस निंदा करने वाले की जीव काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहां से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जो व्यक्ति शिव जी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक कि इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन से भी पक्की होती है। इस प्रकार कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिवजी की निंदा अपने कानों से सुनी, यह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि वे यहाँ किस लिए आई और अब कौन सा मुंह लेकर शिवजी के पास लौटेंगी। वे सोचने लगी कि यद्यपि शिवजी के चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं? मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही है। हे नारद, इस प्रकार विचार करने के उपरांत सती अत्यंत क्रुद्ध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा, हे उपस्थित सभासदो, मैं तुम लोगों से यह बात सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाएंगे और अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाने के लिए विवश होंगे। इस सभा में जिस जिसने शिव जी की निंदा की है और जिसने उसे सुना है उन सबको महापाप लगा है। सभासदों से इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिव जी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिव जी सबको सुख देने वाले और सबके स्वामी हैं, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति ही समझ रहे हो। तुम्हें यह नहीं मालूम है कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल शीघ्र ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के तीन प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्यम कहते हैं, और जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके सद्गुणों का ही वर्णन करता है उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो सर्वोत्तम प्राणी होते हैं वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते हैं, अब तो वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। मैंने इन तीन प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिव जी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं उन सब में महान पाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुम जो यह कहते हो कि शिव नाम में केवल दो ही अक्षर हैं, सो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ये दो अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना कभी भी उचित नहीं है, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिव जी अनादि, अप्रमेय तथा महान हैं। उनसे द्वेष रखने वालों का कभी भी कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिव जी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया है वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मग्न रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अस्तु में अपना खेद नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहलाना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो यह कहा कि शिवजी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी हैं, उसका उत्तर यह है कि वे पर ब्रह्म शरीर रहित एवं अनादि हैं। माया को ग्रहण किए रहने के कारण ही वे अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रहते हैं, भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन है। तुमने जो यह कहा है कि वे चिता भस्म लगाने वाले नंग, निर्धन तथा अवधूत हैं, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके इस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अस्तु, अब मैं अपने निश्चय अनुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि इससे शिवजी को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, नारद,
यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुख करके पृथ्वी पर बैठ गईं। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लगाकर उदान वायु के ऊपर चढ़ाकर और शिवजी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी बहुओं के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब ओर हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, बोलो शिव महाप्राण की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय।